रायगढ़ सहर से स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर में आज शिशु दिवस महासमारोह पालित हो मुख्य अतिथि भाव रायगढ़ पौर परिषद उपाध्यक्ष श्रीमती शुभ्रा पंडा मुख्य वक्ता भाव बालिका उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री श्रीमती ममता कर विद्यालय परामर्शदाता श्रीजुक्त लक्ष्मीकांत मिश्र और विद्यालय प्रधान आचार्य श्रीजुक्त विजय कुमार चौधरी मंचासीन थे। एक कार्यक्रम को विद्यालय शिक्षक धीरेन्द्र मिश्र दिल्ली प्रधान मनोज पड़ियारी अन्यान्य शिक्षक शिक्षयित्री सहयोग करते। एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्रीमती पंडा विद्यालय समस्त को धन्यवाद जनवा सहित आज शिशु काली नागरिक किंतु माटी पिंडुलारो मूर्ति भाव गढ़ा हेले शिक्षक शिक्षयित्री ही मुख्य भूमिका ग्रहण करते। से भली प्रधान आचार्य श्री चौधरी कहते शिशु देश में जो भली उत्तम नागरिक हो बढ़ा से मनरे देश प्रीति जाति प्रीति भावना जागृत कर आगक बढ़वे शिशु दिवस पालन कर शिशु दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो गोटे ग्रेट ट्रिब्यूट अच्छी से विषय में किसी आलोचना कले एवं पिला किसी प्रेरणादायक कथ कह सुजोग भी मिलला जोटा कि पिला बेले आम शुणी शुणी आसलु बर्तमान आमको सुजोग मिलला से बहुत खुशी अच्छी आज जे आज शिशु काल नागरिक ये समस्ते जानते किंतु से मूँ जो मानने मटिपिंडुलार गोटे मूर्ति पर्यटन नेपाई केश्रम करवा पड़ो सेटा केवल आम पेरेन्ट्स को नुह जो विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री अच्छा से मानकर प्रेरणा से मानकर जो उत्साह से शिशु मानी विद्यालय मुझे देखिपारली आउ बहुत खुशी लगेगा पिला जो श्रृंखला ज्ञान अच्छी जो संस्कार ज्ञान अच्छी मानने आजिकल जो मॉडर्न सभ्यतार जो आजिकल बेस मानने प्रेरणा प्रेरित है कि विद्यालय मुझे देखा पाइली तो बहुत खुशी लगेगा जे शिक्षक मानी शिक्षयित्री मानी जो आम अच्छा से मो पा भितर गोटे उज्जवल भविष्य कामना कर देखु शिशु दिवस शिशु मान महनता को प्रतिपादन करने शिशु मान आग को बढ़वे आग्रह प्रकाश करने सहित शिशु मैंने किपर देशर जड़े उत्तम नागरिक ही बढ़े एवं से आज शिशु दिवस पालन करूँ शिशु मान मन देश प्रीति जाति प्रीति भावना जाग्रत कर देश को आग को बढ़वे से भली मुख्य वक्ता ममता कर कहते खाली अभिभावक ही नुहे विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री से मानकर प्रेरणा और उत्साह शिशु मानकर विकास पथे सहायक होता है निज अभिभाषण कहते मंचासीन हो समस्त अतिथि यह कार्यक्रम में सामिल होता जो खुशी अनुभव करने छात्र छात्री मान उज्जवल भविष्य कामना कर रायगढ़ गोपीनाथ गौड़ रिपोर्ट ओडिशा न्यूज 24।